आप जो है तो इसका जल्द से जल्द सुनवाई करके हम लोग का फूलबंदी का मार्ग माली का बहाली जो है माली का बहाली माली का जो बहाली कर रहे हैं उसमें माली का ही बहाली होना चाहिए। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पटना और बिहार में जो माली समाज के लोग हैं उनका मानना है कि उनके लिए भी एक मंडी की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जब मछली मंडी सब्जी मंडी हो सकता है तो फूल मंडी क्यों नहीं। पटना में काफ़ी संख्या में जो मालाकार समाज के लोग हैं वो जुटे हैं और इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। साथ ही बिहार में माली की जो वैकेंसी होती है बिहार विधानसभा परिषद में सरकारी भवनों में जो माली की वैकेंसी होती है उसको लेकर भी इन्होंने बात कही और कहा है कि माली समाज के लोग लगातार समर्थन करते हैं, सरकार के पक्ष में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो माला है उसी माला से उन लोगों का स्वागत किया जाता है। लेकिन बात माली समाज की हक की आती है तो उन्हें उनका अधिकार और हक नहीं मिल पाता है। ऐसे में भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली आज प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापक प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के जरिए माली समाज के जो लोग हैं वो फूल मंडी की मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से और माली की जो बहाली होती है उसमें भी इनका योगदान हो, इनको अलग से कहीं ना कहीं रियायत दी जाए, स्पष्ट तौर पर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। पूरा हम बयान सुनवाते हैं कैसे वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला मुख्यालय में हम लोग फूल मंडी का मांग कर रहे हैं। हर जगह जब सब्जी मंडी है मछली मंडी है तो सरकार क्या सोई हुई है। फूल मंडी जो फूल जो है उस लोग का शोभा बढ़ाता है। MLA MP जो जीत के आते हैं उन लोग का हम लोग शोभा बढ़ाते हैं। हम लोग का आज तक 75 साल में एक विधायक है, MP है, कुछ है। हम लोग चाहते हैं कि फूल मंडी का मांग। कल आप लोगों को रामकृपाल यादव जी आश्वासन भी दिए थे वहाँ जो आप लोग कार्यक्रम मना रहे। 75 साल से थकने का देखिए हम किसी पे भी टिप्पणी नहीं चाहे। हम सरकार जो अभी है सरकार जो उससे मांग है अभी महागठबंधन की सरकार हमसे मांग करते हैं मुझे फूल मंडी की व्यवस्था चाहिए। सांसद रामकृपाल यादव जी ने एश्योरेंस दिया। दीघा के हमारे विधायक चौरसिया जी ने भी आश्वासन दिया तो अभी तक 75 साल से सिर्फ एश्योरेंस मिलता रहा है। बट इट शुड बी गिवन टू पीपल हु डिजर्व इट। लोगों को आप देखिए, लोगों को जैसा उन्होंने बताया कि मछली बेचने के लिए समुचित व्यवस्था है, सब्जी बेचने के लिए समुचित व्यवस्था है, दूध बेचने के लिए समुचित व्यवस्था है और ये फूल माली जिन्होंने रोड पे आके प्रदर्शन किया, जिंदगी भर किया, 75 साल से आज तक नहीं। हम लोग मजबूर हुए हैं कि पृथ्वी माली जी के साथ इनके संरक्षण में हम लोग डिमांड करते हैं कि जो माननीय सांसद या विधायक जी ने जो बोला है उसको पारित किया जाए और अलॉट किया जाए जमीन को। महागठबंधन सरकार से निरोध मतलब गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो इसका जल्द से जल्द सुनवाई करके हम लोग का फूलबंदी का मार्ग माली का बहाली जो है माली का बहाली माली का जो बहाली कर रहे हैं उसमें माली का ही बहाली होना चाहिए। और जब सरकार सब्सिडी दे रही है फूल मंडी के एथी के लिए फूल उपजाने के लिए तो बहाली क्यों नहीं कर रही है सरकार। आखिर मंडी देगी तो ही बिजनेस होगा। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पटना में मंदिर है वहाँ माली का स्थायी विधान होना चाहिए तभी तो फूल बेच सकता है समाज। देना होगा अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।